अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं पुलाव। लेट्स स्टार्ट। आज हम चिकन पुलाव बना रहे हैं, उसकी रेसिपी मैं आपको बता दूं क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। आज मैंने ली है तकरीबन आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा चिकन है, एक मीडियम साइज़ की प्याज है, पिसी हुई हरी मिर्चें हैं और टमाटर हैं दो अदद मीडियम साइज़ के, और ये कुछ हर्ब्स हैं। ये मैंने आधा कप जो है ऑयल लिया है और इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज, इसको हम फ्राई करेंगे। प्याज को हमें ज़रा गोल्डन फ्राई करनी है। अब ये प्याज जो हमारी हल्की हल्की सी ब्राउन होने लगी है, अब इसी स्टेज पे हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। असल में मुझे ज़रा भुना हुआ ज़ीरा ज़्यादा अच्छा लगता है, उसका ज़रा टेस्ट जो है ना इन्हेंस हो जाता है। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने डाल दिया है ताकि ये भून जाए अच्छी तरीके से। हुए थे बारीक कटे हुए, वो डाल दिए हैं, इसको भूनना है। और साथ ही डाल देंगे मैं इसमें हरी मिर्चें पिसी हुई, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दो टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है मैंने इसमें, और ये सारे हर्ब्स मैंने यूज़ करे थे। इसको अच्छी तरीके से भूनना है रिवर्स, इसको इतना भूनना है कि इसमें अच्छी तरीके से मसाला बन जाए। हर्ब्स में मैंने इसमें लिए हैं दो बड़ी इलायची और सिनेमन स्टिक, बादियान के दो फूल, छोटी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्चें और लौंगें, जो आमतौर पर गर्म मसाला होता है साबुत हो लिया है सब। अब इसको अच्छे तरीके से भूनना है, फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे, अब हमारा तमाम मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है। चिकन को इतना इसमें भूनना है हमें कि कलर भी चेंज हो जाए और सारा मसाला इसमें अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें सॉल्ट, वो हम टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन को हमने अच्छी तरीके से मसाले में भून लिया है, अब देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। अब एक गिलास पानी डाल के इसको हम गलने तक पकाएंगे। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि चिकन स्टॉक अच्छी तरीके से बन जाए और हमारे चावल इसी में दमकर आ जाए। मैं इसमें एक्स्ट्रा पानी बाद में नहीं डालूँगी, क्योंकि इसी के अंदर मुझे अच्छा लगता है इस चिकन स्टॉक में ही चावल अच्छे से गले। अब इसको हम कवर कर देते हैं ताकि अच्छी तरह से गल जाए। चिकन हमारी हाफ डन हो चुकी है और हाफ डन जो है ये चावलों के साथ होगी, और ये तरीका होता है चिकन को गलाने का। अब हम चावल डाल रहे हैं इसमें। चावलों के लिहाज से मैंने पानी लिया है इसके अंदर, क्योंकि मुख्तलिफ चावल जो हैं वो मुख्तलिफ पानी से बनते हैं, इसमें कम पानी यूज़ होता है तो मैंने इसमें इसलिए कम ही पानी डाला है। अब इसको दम पे रखती हूँ मैं ताकि ये चावल अच्छी तरह से गल जाएं। ये चावल हमारे गलने वाले हैं, अब ये थोड़ा सा सोख हो जाए और पानी, तो फिर हम इसको दम पे रख देंगे। इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून केवड़ा। कवर अप कर रही हूँ ताकि ये दम पे आ जाए। अब मैंने इसको दम पर रख दिया है 10 to 15 मिनट्स, फिर ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बन जाएगा हमारा पुलाव। 5 मिनट के बाद मैं इसको लो फ्लेम कर दूँगी, अभी मैंने हाई फ्लेम किया हुआ है
ताकि हमारा तवा जो अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बहुत खिले खिले चावल बने हैं, देखें आप देख सकते हैं। मैं इसको डिश आउट करती हूँ। चिकन पुलाव मैंने डिश आउट कर दिया है और इसको एंजॉय करें। चटनी रहता है सलाद के साथ तो मुझे मुँह में पानी आ रहा है बिल्कुल। जब जल्दी से खाऊं इसे, आप लोग भी देखें मज़े से बनाएं और लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।